नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और आज है 3 जून 2019, तो आज हम देखेंगे 3 जून का करंट अफेयर्स। इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कल वाले वीडियो में हमने आपसे पूछा था उसका आंसर क्या होगा। तो वह क्वेश्चन है दोस्तों, पेमा खांडू किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। तो पेमा खांडू ने दोस्तों हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तो वह बने हैं अरुणाचल प्रदेश के। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश। तो पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, तो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में इसे शेयर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का सा बना हुआ है, उस घंटे के स्थान को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी नई वीडियो की सूचनाएं तुरंत वीडियो डालते ही आपको मिल सके। अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है, कब मनाया गया है। तो हाल ही में दोस्तों विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है, वह मनाया गया 1 जून को। तो वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया, 1 जून को मनाया गया। तो ये कब से मनाया जा रहा था, क्यों मनाया जा रहा है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया, हर वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व दुग्ध दिवस है वह संपूर्ण विश्व में 1 जून को मनाया जाता है। तो इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, दूध के संबंध में ध्यान आकर्षित करना, तथा दूध उद्योग से जुड़ी गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए अवसर प्रदान करना, इसके मनाने के पीछे उद्देश्य है। दोस्तों, प्रथम विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था वह 1 जून 2001 को मनाया गया था। उसके बाद लगातार हर वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता आ रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस नए मंत्रालय का गठन किया है। तो दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने, जो केंद्र की मोदी सरकार है, उसने एक नए मंत्रालय का गठन किया है। उस नए मंत्रालय का नाम क्या है, था वो मंत्री किसे बनाया, वो देखते हैं। तो नया मंत्रालय जो गठन किया गया है, उसका नाम है दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय का हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने गठन किया है। तो ये मंत्री पद किसे दिया गया है, तो जल की ताकत को बनाए रखने के लिए पहली बार जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। और ये मंत्री बनाए गए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ये राजस्थान से हैं। गजेंद्र सिंह को इसका मंत्री बनाया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो मोदी सरकार 2 में जल मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस देश के हर घर तक नल से जल पहुंचाने पर हो सकता है। दोस्तों, सरकार ने इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय बनाया है। तब मंत्रिमंडल में इसकी जिम्मेदारी राजस्थान के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपी है, जो जोधपुर से सांसद जीत कर आए हैं। उन्हें जल शक्ति मंत्री कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय में जल संसाधन, नदी विकास, गंगा जीर्णोद्वार और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को शामिल किया जा सकता है। नल जल योजना के तहत सरकार ने 2024 तक देश के हर घर में पानी की पाइपलाइन और नल के जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये दोस्तों मंत्रालय दिया गया गजेंद्र सिंह शेखावत को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ई सिगरेट के उत्पादन, भंडारण, वितरण, विज्ञापन तथा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो ये किस राज्य की सरकार ने की है, तो ये किया दोस्तों राजस्थान राज्य की सरकार ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, राजस्थान राज्य। तो राजस्थान में दोस्तों जो ई सिगरेट है, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। ये फोटो में आपको ई सिगरेट दिखाई दे रहा है, इस पर बैन लगा दिया गया है। तो इस ई सिगरेट के बारे में जानते हैं, तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो जयपुर है। गठन कब हुआ, 30 मार्च 1949 को हुआ। मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कौन है, कल्याण सिंह राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं। अब ई सिगरेट के बारे में जानते हैं दोस्तों, ये एक बेहद ही खतरनाक है ई सिगरेट। तो दिमाग पर इसका विपरीत असर होता है। दोस्तों, ई सिगरेट के दुष्प्रभाव से हृदय यानी हार्ट रोग एवं फेफड़ों के नुकसान पहुँचता है, क्योंकि इसमें अल्ट्रा फाइन पार्टिकल जहरीले पदार्थ एवं PM2.5 यानी पार्टिकल उलेट मैटर की अधिकता होती है। इसमें ग्लिसरीन होने की वजह से एक्यूट लंग इंजरी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। दोस्तों, ई सिगरेट में ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन, निकोटीन, ग्लिसरॉल आदि पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे दिमाग के विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस कारण इसको राजस्थान में बैन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 10वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो 10वां जो राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव है, उसका आयोजन दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में किया जाएगा। तो अगरतला इसका राइट आंसर हो गया। तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, तो ये जो विज्ञान फिल्म महोत्सव है, वह अगरतला में आयोजित किया जाएगा।
तो भारत का यह 10वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव होगा जो जनवरी फरवरी 2020 में अगरतला त्रिपुरा में आयोजित किया जाएगा। यह दूसरी बार है जब इसका आयोजन उत्तर पूर्वी शहर में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों इसकी मेजबानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय के विज्ञान प्रसार द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। दोस्तों आगामी कार्यक्रम में दोस्तों देखा जाए तो न्यूनतम 10 देश इसमें भाग लेंगे और इसमें विभिन्न देशों से यूनिसेफ, यूनेस्को और फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्में शामिल की जाएंगी। NSFFI में फिल्मों की अधिकतम लंबाई 40 मिनट की होगी और विज्ञान प्रसार सिनेमा के माध्यम से समाज को विज्ञान और पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका मकसद रहेगा। दोस्तों NSFFI पहली बार 2011 में चेन्नई में आयोजित किया गया था, उसके बाद ये 10वां है, यह अगरतला त्रिपुरा में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है, इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के लिए किस सैन्य बल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसरो ने दोस्तों अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय वायुसेना के साथ सैन्य बल के साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं। तो भारतीय वायुसेना के साथ किए हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया भारतीय वायुसेना। अगला क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने अपने प्रांगण में स्पेस टेक्नोलॉजी सेल यानी STC स्थापित करने के लिए इसरो के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? तो ये किया दोस्तों IIT गुवाहाटी ने, तो इसका राइट आंसर हो गया IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए लेजर गन का उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो लेजर गन का उपयोग करने का निर्णय दोस्तों गुजरात राज्य की सरकार ने लिया है, तो इसका राइट आंसर हो गया गुजरात। तो जानते हैं दोस्तों गुजरात के बारे में, ये फोटो में पुलिसकर्मी आपको लेजर गन लिए हुए दिखाई दे रहा है, जो लेजर गन से गाड़ी की चलती गाड़ी की स्पीड ही माप सकते हैं। तो गुजरात में किया गया, तो गुजरात के बारे में जानते हैं। तो गुजरात का गठन दोस्तों 1 मई 1960 को हुआ, राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली है। दोस्तों हद से ज़्यादा स्पीड में वाहन दौड़ाने वालों को काबू करने के लिए गुजरात पुलिस ने एक नया तरीका निकाला है और वह है लेजर गन। यहाँ दोस्तों अब 3.90 करोड़ की लागत से लेजर टेक्नोलॉजी आधारित खास अमेरिकी बंदूकें खरीदी गई हैं। तो इन स्पीड गन की संख्या 39 है, इनमें से दोस्तों जो 5 गन हैं वह अकेले अहमदाबाद शहर में आवंटित की जाएंगी था, इसके द्वारा चलती गाड़ी की भी स्पीड मापे सकते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान यानी IMD द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो भारत का स्थान है 43वां स्थान है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा? 43वां स्थान। तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, तो इस वर्ष भारत का एक पायदान की बढ़त के साथ 43वां स्थान पर पहुंच गया है। 2018 में दोस्तों भारत का इस रैंकिंग में 44वें स्थान पर था, जबकि 2017 में यह 45वें स्थान पर था। 2016 में दोस्तों भारत इस रैंकिंग में 41वें स्थान पर था। तो भारत की रैंकिंग में सुधार देश की मजबूत आर्थिक विकास दर, विशाल कार्यबल और वृहद बाजार के कारण हुआ है। दोस्तों IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इस रैंकिंग की शुरुआत 1989 में की गई थी। इसमें दोस्तों 235 सूचकों के आधार पर 63 अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग प्रदान की जाती है। इस रैंकिंग को बेरोजगारी डाटा, GDP डाटा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकार का व्यय, वैश्वीकरण तथा भ्रष्टाचार जैसे सूचकों के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 60 वर्ष आयु प्राप्त करने वाले व्यापारियों व दुकानदारों को कितने रुपये प्रति माह या मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो वह किए दोस्तों 3,000 रुपये प्रति माह व्यापारियों दुकानदारों को प्रति माह पेंशन देने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है, तो इसका राइट हो जाएगा 3,000 रुपये प्रति माह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि चोवना मेन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो चोवना मेन है दोस्तों ये अरुणाचल राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री बने पेमा खांडू, तो इसका राइट क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, तो वह क्वेश्चन है, नए नौसेना प्रमुख किसे बनाया गया है? ऑप्शन है करमबीर सिंह, सुखबीर रंधावा, सुनील जाखड़, मनोज मिश्रा। तो इन चारों में से जो भी राइट आंसर होगा वह आपको नीचे कमेंट करके हमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का साइन बना हुआ है उस घंटे के निशान को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचनाएँ तुरंत वीडियो डालते ही आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।